लूसिड ड्रीम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। बहुत से लोग लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता कि ये कैसे किया जाए, लूसिड ड्रीम होती क्या है। तो अगर आप पहले से ही लूसिड ड्रीम के बारे में जानते हो, इसकी हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हो, तो आप वीडियो के इस पार्ट पर सीधे चले जाओ, नहीं तो बने रहो हमारे साथ। जब भी हम कोई सपना देख रहे हों और हमें पता है कि वो एक सपना है, इट मीन्स कि वो एक लूसिड ड्रीम है। यानी आपको सपने में पता है कि आप सपना देख रहे हो, सो इट इज़ लूसिड ड्रीम। हम लूसिड ड्रीम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं लूसिड ड्रीमिंग का। बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए। जो उन्होंने अपना गोल बना रखा है वो उसे अपने ड्रीम में पहले से एक्सपीरियंस कर लेते हैं। यहाँ तक कि लूसिड ड्रीम बहुत सी बीमारी भी यूज़फुल है। आप लूसिड ड्रीम का यूज़ करके इन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हो। डॉक्टर स्टीफन ला बर्ज को लूसिड ड्रीम का पायोनियर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही लूसिड ड्रीम के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस किए। इनका एक रिसर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि जो लूसिड ड्रीम होता है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। लूसिड ड्रीम ही नहीं, जितने भी ड्रीम्स होते हैं, और अगर आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं तो वो तो लूसिड ड्रीम होता ही है, तो वो हमारे रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलता है। 1985 में कुछ लोगों को अपने रिसर्च लैब में बुलाया और वहाँ उनको बोला कि जब तुम सो जाओ तब 10 तक काउंट करना, सेकेंड्स तक काउंट करना तुम। और जब उनके जो कैंडिडेट्स थे वो सो गए तो वो एग्जैक्टली जो हमारा रियल वर्ल्ड है ना उसी के टाइम के अकॉर्डिंग वो 10 तक काउंट किए, जिसके बारे में डॉक्टर स्टीफन इस पॉइंट पे पहुँचे कि लूसिड ड्रीम जो होता है वो हमारे रियल वर्ल्ड के टाइम पे डिपेंड करता है। और लूसिड ड्रीम को जो है हम बहुत ही कम समय के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लूसिड ड्रीम जितना बेनिफिशियल है उतना ही मान सकते हो आपकी डेंजरस भी है, क्योंकि अगर आप पहली बार लूसिड ड्रीमिंग कर रहे हो, पहली बार आपको ऐसे पता चला कि आप सपने में हो, तो आप हो सकता है कि आप जो है स्लीपिंग पैरालिसिस में चले जाओ, जिसमें ये कंडीशन है जहाँ पे आपका जो बॉडी है वो जगा नहीं हुआ रहता लेकिन आपका जो ब्रेन है वो जग गया रहता है। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हो और सोच रहे हो कि मुझे उठना है, मैं अपने हाथ वगैरह नहीं ला पा रहा हूँ, आपका बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। भले ही आप जगे हुए हो, आप कोशिश कर रहे हो बट वो नहीं हो रहा है, और इसका सीधा जो असर है वो आपको अपने चेस्ट वाले एरिया पे महसूस हो रहा है जब भी आप कुछ काम करने के लिए अपने बॉडी को मूव कर रहे हो, ठीक है, बट वो होता नहीं है। तो लूसिड ड्रीम जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एडवांटेजेस बहुत हैं, इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। लूसिड ड्रीम करना कैसे है और हम जाने कैसे कि लूसिड ड्रीम हम देख रहे हैं या इसको एक्सपीरियंस कैसे करें, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो लूसिड ड्रीम मेरे लिए तो बहुत ही एक स्पेशल चीज़ था। मैंने अब तक 2 बार लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंस किए। बहुत से लोग बोलते हैं कि लूसिड ड्रीम के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं बट मैंने ऐसा कोई भी मेथड ट्राई नहीं किया था, और मेरा जो है अचानक से लूसिड ड्रीम हुआ और फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, लूसिड ड्रीम लाइक जो कोई चीज़ होती है, लूसिड ड्रीम भी एक चीज़ है। और 14 अप्रैल को मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब मेरा सपना ये था कि मैं अपने घर में था, लेकिन मेरा घर जो है वो बहुत अजीब सा था, पता नहीं कैसा टाइप का मेरा घर था, और मेरे को कुछ काम करने के लिए दिया गया उस ड्रीम में। मैंने ऐसा कोई भी लूसिड ड्रीम के बारे में सोचा नहीं था कि मुझे लूसिड ड्रीम करना है, बट मेरे को इतना पता था ना कि मैंने जो भी सपना देखा था वो सारे मेरे को रिकॉग्नाइज होते जा रहे थे, मेरे को याद आते रहते थे। जब भी मैं सोने जाता था तो मेरे को प्रीवियस सपना याद आता था कि अरे यार ये तो कल देखा था कि परसों देखा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सपना मैंने कभी ना कभी ज़रूर देखा है। और कुछ पार्ट्स मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गए थे कि नहीं, ये चीज़ हो ही नहीं सकता, ये चीज़ रियल वर्ल्ड में कभी हो ही नहीं सकती। मेरे दिमाग में आया कि अरे यार ये तो काम हो ही नहीं सकता, रियल वर्ल्ड में तो मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकता, और मैं अचानक से इस जगह पे कैसे आ गया। इट मे बी ये एक लूसिड ड्रीम है, और मैंने बहुत जगह पढ़ा था लूसिड ड्रीम के कुछ साइंस कि आप अपने हाथों को देखो, आप जंप करो, आप किसी चीज़ को पुश करो, या आप कुछ ऐसी चीज़ करो जो रियल वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती। और मैंने अपने हाथों की ओर देखा तो एक हाथ जो है वो मेरा ऐसे ट्राइंगुलर शेप में कलरफुल पता नहीं कैसा था, और एक हाथ मेरा था ही नहीं, जिसके बाद मेरे को अरे यार ये तो लूसिड ड्रीम है।
और यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैंने ये तो पढ़ा ही था कि लूसिड ड्रीम में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सोचने लगा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और उस टाइम पे मेरे को एक फोर्स टाइप महसूस हुआ अपने ड्रीम में ही कि नहीं मैं कहीं खींचा चला जा रहा हूँ, मैं पीछे तरफ आ रहा हूँ, कोई फोर्स मेरे को पीछे तरफ खींच रही है और जो सपना है मेरा वो दूर जा रहा है दूर जा रहा है दूर जा रहा है। और सडनली जो है मेरी नींद खुल जाती है, ठीक है। अब जब मेरे को नींद खुलती है ना, उस टाइम का मेरे को नहीं याद है कुछ कि वो कौन सा टाइम था कि मेरी नींद खुलती है, बट मेरे को इतना याद था कि वो नींद खुली मेरी और वो कुछ सेकंड्स के लिए ही खुली थी, और जिसके बाद मैं वापस से ऐसे सो गया। और जब सवेरे उठा तो मैंने अपनी बहन को बताया कि यार मैंने लूसिड ड्रीम किया, और फिर उसके दो तीन दिन बाद मेरी सिस्टर ने भी लूसिड ड्रीम किया। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आप ऐसे वीडियोज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दिया हो और बेल आइकन को भी दबा दिया।